नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपके घरों में टेलर की मोटर रहती है ना दोस्तों, उसका क्लच ख़राब हो चुका है। दोस्तों, इसकी वायरिंग पूरी जा चुकी है, हमें इसको नवी वायरिंग डालने जा रही है और उसका प्लग गांव पूरे फिट करने जा रही है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, ब्लेड कैसे चेंज करना, प्लग गांव कैसे डालना, वायर कैसा, कितना मीटर लेना, सब भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वायर कितने मीटर होना उतने मीटर वायर ले लो। मैं 3 मीटर लिया हूँ, क्लच से मोटर को 1 मीटर, पावर सप्लाई को 2 मीटर लिया हूँ। दोस्तों, टुकड़ा नहीं लेना है, अखंड वायर लेना है 3 मीटर। दोस्तों, लिए के बाद हमारे को क्लच सी मोटर को कितने मीटर होना छोड़ लियो। दोस्तों, ऐसा छोड़ के क्लच सी मोटर को 1 मीटर छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, छोड़ के इसमें से एक सिंगल वायर कट करो। दोस्तों, सिंगल वायर कट करो, कट करने के बाद दोस्तों ये टुकड़ा करिए ना आप, ये दो वायर आपको इसमें दो ब्लेडा को जॉइंट करो। दोस्तों, ये दो ब्लेडा को जॉइंट करो, मैं जॉइंट करके दिखलाता हूँ। दोस्तों, ऐसा टेप लपट वायर लपटे के बाद इसको सॉल्डरिंग मत करो, इसको सॉल्डरिंग नहीं बैठेगा। ऐसा लपटे के बाद इसको टेप मार डालो। दोस्तों, ब्लेड को ऐसा लपटे के बाद इसको टेप मारो। दोस्तों, इसको टेप मारे के बाद एक इधर प्लास्टिक का डालो। दोस्तों, डालने के बाद सबसे पहले हमें एक नीचे कनेक्शन करें से ब्लेड डालो। दोस्तों, डालने के बाद इसके ऊपर और एक ये प्लास्टिक का ये डालो। दोस्तों, डालने के बाद इसमें एक डायोड आता है, वो डायोड मेरे पास स्टॉक नहीं है, इसके लिए मैं डायरेक्ट दिखला रहा हूँ। ये 3 ब्लेडा क्यों बोले तो आप ज़रा दबे तो स्पीड कम होती है, पूरा दबे तो स्पीड ज़्यादा होता है। उसके लिए इधर 1 ब्लेड से 2nd ब्लेड को एक डायोड आएगा, वो डायोड मेरे पास स्टॉक नहीं है, इसके लिए मैं आपको ऐसा बना के दिखला रहा हूँ। दूसरा ब्लेड रखो, दूसरे ब्लेड को क्या कलेक्शन मत दियो, डायोड है तो डायोड दियो, डायोड नहीं है तो भी सिर्फ डम्मी छोड़ो ब्लेड। दोस्तों, दिए के बाद ये भी नेक्स्ट का प्लास्टिक का डालो। डालने के बाद ये तीसरा ब्लेड डालो। दोस्तों, डालने के बाद इसके ऊपर एक ये डालो। दोस्तों, डालने के बाद सॉरी दोस्तों, ये देखो ऐसा पॉइंट दिया रहता है, वो पॉइंट ऐसा अंदर डालो, ऐसा क्लीन से ऐसा फिट हो जाती हैं वो। दोस्तों, हो के बाद ये लास्ट में ऐसा रख के इसको टाइट कर डालो। दोस्तों, इसकी ब्लेडा ये पॉइंट को करेक्ट ऐसा रख के टाइट करना। दोस्तों, ये पॉइंट करेक्ट रख के इसको टेंट करो। दोस्तों, इसको अच्छे से मीडियम टेंट करो, फुल टेंट मत करो, प्लास्टिक का है वो टूट जाएगा, फिर आपको मार्केट में मिलने का मुश्किल होता है। दोस्तों, टेंट करने के बाद देखो ऐसा एक बार ब्लेडा पूरे ऐसे एक बार उठा लो, ऐसा रहता है। दोस्तों, देखो ये पूरे सामने के पॉइंट पूरे टच होना चाहिए, आप फिर क्रास मत बिठाओ, क्लीन से बिठाओ। दोस्तों, बिठा के बाद इधर पॉइंट आएगा, इधर इसका क्लैंप भी आएगा, आपके पास क्लैंप नहीं है तो एक टैग डालो। ऐसा एक टैग डालो, आपके पास नट बोल्ट है तो इसका नट बोल्ट सिस्टम भी डाल लो। दोस्तों, ऐसा डालने के बाद ये कट कर डालो। दोस्तों, कट करने के बाद इसको ये ब्लेड आई सो इधर सामने आना, इस डायरेक्शन में फिट करो। दोस्तों, मैं फिट करके दिखलाता हूँ। दोस्तों, मोटर की जाने की केबल को आपका मोटर में मेल पिन है फीमेल पिन है देख के फिट कर लो। दोस्तों, मैं तो मोटर को जाने की फीमेल पिन फिट कर रहा हूँ और पावर सप्लाई को जाने की से पिन ये 2 पिन पावर सप्लाई जाने की चुपा रहा हूँ और मोटर को जाने के लिए फीमेल पिन
कनेक्शन कर रहा हूँ। दोस्तों कनेक्शन करके मैं आपको चेक करके दिखलाता हूँ ये कैसा चेक करना बोल के। दोस्तों ये सभी वायरिंग करके प्लग भी फिट कर चुका हूँ मैं। दोस्तों अब ये हमें चेक करने के लिए, दोस्तों इधर आपकी मोटर है तो डालो, नहीं है तो आप ऐसा एक वायर लेके इसको इधर डायरेक्ट कर करें, या आप सीरियस में रखना पड़ेगा। दोस्तों सीरियस बोर्ड में रखो, डायरेक्ट मत रखो, सीरियस में रखो। दोस्तों मैं सीरियस में रखा हूँ, अब इसको प्रेस करता हूँ। इधर देखो लाइट पड़ता है ये कोने में, देखो आपको लाइट सीरियस बल्ब दिख रहा होगा, उधर देखो उधर। ठीक है दोस्तों, स्विमिंग मशीन की क्लच की वायरिंग करने का ऐसा तरीका रहता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अभी क्या तो डाउट है तो कमेंट करो, उसका आंसर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।